Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Vivo NEX 2 is one of the high profile devices set to launch in the second half of the year. The Vivo NEX 2 has got a lot of attention already because it's going to feature a 90 degree curved display that goes all the way to the back. And according to the popular Chinese news source, Vivo NEX 2 ek 90 degree super curved display ke saath feature hoga jo unique design ke saath saath ek behtareen look bhi provide karwata hai. Vivo ka ye unique curved design NEX ka successor NEX 2 pe dekhne ko milega jahan pe koi bhi motorized camera setup ya phir punch hole technology ko adopt nahi kiya jayega aur yahan pe ek full screen edge टू एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो आएगा 90 डिग्री सुपर कर्व टेक्नोलॉजी के साथ में. नाउ वी डोंट नो व्हेदर वीवो वुड गो फॉर अ मोटराइज्ड सेटअप फॉर दिस और वुड हाइड द कैमरा अंडरनीथ द डिस्प्ले. मी एंड ओप्पो ये टेक्नोलॉजी को एक प्रोटोटाइप फोन के थ्रू रिसेंटली शोकेस किया है, लेकिन ओप्पो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को शोकेस किया है वो अभी उतना क्लियर नहीं है और ये अभी काफी रिफाइनमेंट की जरूरत है जो रेगुलर फ्रंट कैमरे को रिप्लेस कर सके, और इसे रिप्लेस करने के लिए इसे और भी रिफाइन करके एक एक्यूरेटली फ्रंट फेसिंग कैमरा देना होगा जो डिस्प्ले के अंदर से अच्छे तरीके से काम कर पाए. आई थिंक वीवो यहाँ पे एक मोटराइज्ड कैमरा सेटअप को यूज कर सकता है डिवाइस को फुल स्क्रीन लुक देने के लिए, और एक एज टू एज लुक के लिए यहाँ पे कैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है. वीवो पहला कंपनी है जो एक पॉपअप कैमरे के साथ कोई स्मार्टफोन को रिलीज किया था और मार्केट पे ये बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था. एंड आई थिंक वीवो इस बार इसकी नेक्स्ट 2 में इन डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो एक और रिस्क भरा काम हो सकता है. लास्ट टाइम आई सॉ ए लॉट ऑफ यू आर कमेंटिंग दैट हैविंग ए डिजाइन लाइक दिस इज अ नाइटमेयर फॉर द यूजर एक्सपीरियंस एज इट वुड मीन मोर एक्सीडेंटल टचेस व्हिच इज नॉट ट्रू. तो भी स्मार्टफोन कंपनी ये 90 डिग्री कर्व डिस्प्ले को उसकी स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस करेगा. यहाँ पे एक्सीडेंटल टचेस को अवॉइड करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज भी किया जा सकता है. ये फोन का दोनों साइड में ही कोई फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलता है, और वीवो ऑलरेडी एक डिवाइस को शोकेस किया है जिसकी दोनों साइड में कोई फिजिकल बटन नहीं है, और ये फिजिकल बटन नहीं होने के कारण यहाँ पे कुछ सेंसर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो सेंसर के जरिए इसकी फिजिकल बटन का काम करते हैं. और आप ये डिवाइस पे ये सेम टेक्नोलॉजी देख पाएंगे जहाँ पे दोनों साइड में कोई फिजिकल बटन या फिर कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे एक एज टू एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ प्रोवाइड किया जाएगा. आई थिंक ऐसा डिजाइन स्मार्टफोन 90 डिग्री कर्व डिस्प्ले डिजाइन और कोई भी फिजिकल बटन या फिर कोई भी पोर्ट ना होना, ये मेन स्ट्रीम स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, और फ्लैगशिप डिवाइस के बाद ये धीरे धीरे मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन भी ये टेक्नोलॉजी को देखने को मिल सकता है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके. सो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. पीस आउट.